हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम हियर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से सी लैंग्वेज के अंदर जो है हम हमारे 3D एरे का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप से 3 इंडेक्स मैंने ले लिए 3D एरे के अंदर। और देखिए, इसमें एक्चुअली अब होगा क्या, तीनों के अंदर एक्चुअली मैंने वैल्यू डाल दी। अब इसमें मैंने क्या किया है, देखिए पहले में जो हम है एक्चुअली ये इसमें ऐसा है, देखिए हमारे पास जो तीन यानी कि तीन बॉक्सेस के अंदर दो दो वैल्यू ढलेगी। देखिए यहाँ पे दो वैल्यू ढलेगी, टोटल जो है हमारे पास में तीन का सेट है। देखिए 1 2 3, ये देखिए 3 सेट है और उसके अंदर एक्चुअली 4 बॉक्सेस हम ले सकते हैं। तो इस टाइप से एक्चुअली इसमें वैल्यूज जो है वो ढलेगी। देखिए इस टाइप से, तो पहले देखिए 3 है, तो इसका मतलब जो 3 है नॉर्मली एक सेट बन गया है पहला, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, यहाँ तक है, फिर दूसरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, फिर जो तीसरा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस टाइप से हमने एक्चुअली टोटल 3 बनाए। फिर एक्चुअली इसमें बाद में है 4, तो 4 में एक्चुअली कितने हैं, एक सेट के अंदर ये टोटल 4 सेट है इस टाइप से, ये देखिए। तो इस टाइप से और उसमें एक्चुअली जो वैल्यू ढलेगी वो 2 ढलेगी। तो इस टाइप से एक्चुअली मैंने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करा दी है। आप ये यूजर से भी करा सकते हैं लूप लगवा के। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए इंडेक्स नंबर के हिसाब से प्रिंट कराएंगे। 0 0 0 यानी कि जो 0 0 0 में जो वैल्यू होगी वो सबसे पहले प्रिंट होगी। 0 0 में सबसे पहले एक्चुअली हमारे पास जो है वो 2 है, देखिए 2 है सबसे पहले, ये 0 0 0 के अंदर डला हुआ है। यानी कि पहला जो इंडेक्स नंबर, ये इसका इंडेक्स नंबर, जो ये इंडेक्स नंबर है 0 वो इसमें आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से हम स्टार्ट करेंगे, वो यहाँ से चालू होगा, देखिए इस टाइप से। तो इसका इंडेक्स नंबर 0 ये है, फिर ये 4 में करेंगे, इसका इंडेक्स नंबर जो 0 है वो ये है, फिर ये 2 में करेंगे, फिर इसका इंडेक्स नंबर जो 0 होगा ना वो प्राप्त जाएगा जो 2 होगा। इसके बाद में फिर 0021 पे हम चलते हैं। तो 0021 पे जो इंडेक्स नंबर है वो अब हम चेक करते हैं कि क्या है। तो देखिए ये 0, ये 1, ये 2, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 021 आई थिंक 4 होना चाहिए, फिर 231, तो 231 एक्चुअली जो लास्ट में आ गया ये 2 हो गया, ये इसका 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, क्या आता है ना, क्या वही है जो मैंने बोला है। तो देखिए 2 4 एंड 1, तो इस टाइप से एक्चुअली जब हम इंडेक्स नंबर प्रिंट करा रहे हैं तो ये एक्चुअली मल्टी डायमेंशन एरे भी बोल सकते हैं। अब हम इसके एक्चुअली इस टाइप से हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें यूजर से एंटर करवानी हो तो वहाँ पे एक्चुअली 3 लूप लग जाएंगे, जैसे आई जे और के का, और वहाँ से एक्चुअली वैल्यू जो है वो स्टोर होती जाएगी। तो इस टाइप से होते एक्चुअली काफ़ी तो कॉम्प्लिकेटेड है ये, मैंने इसलिए इसको एक्चुअली ज़्यादा मैंने उस लेवल पे नहीं बनाया। मैंने एक्चुअली आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये कि किस टाइप से आप जो है मल्टी डायमेंशन एरे या 3D एरे का यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि इसके बाद हमें एक्चुअली स्ट्रिंग के ऊपर आ जाना है और कैरेक्टर एरे के बारे में मेरे को बताना है कि वो क्या होता है। तो इसलिए मैंने एक्चुअली इसमें पहले से प्रोग्राम बना के बता दिया है ये किस टाइप से आप मल्टी डायमेंशन एरे का यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। So thanks for watching, keep watching my video, अगली वीडियो में आपको स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्यूरी है, लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअली मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो एक्चुअली फेसबुक पे या ट्विटर पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। यू नो मेरा जो फेसबुक पेज है वो है facebook.com/shubhamjangir05, उसका URL है, और जो ट्विटर हैंडल है वो है @shubhamjangir। इसके अलावा एक्चुअली अगर आपको मेरे चैनल पे आने वाली और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली मेरी अगर कोई भी वीडियो आए उसका आपको अगर इंस्टेंट अपडेट मिल जाए तो वहां पे एक्चुअली एक नोटिफिकेशन का बेल का आइकन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो।